के लिए जो है कि देखिए, ये जूम मीटिंग तो आज बोला जाए लॉकडाउन तो वरदान साबित हो चुका है। इसका कारण एक ही है कि देखिए, लेडीज लोग जो है कि घर से निकल नहीं पाती है और उनको बहुत सारा चीज मैनेज भी करना पड़ता है और फैमिली भी मैनेज करना पड़ता है। तो इस लॉकडाउन पीरियड में जो है कि आज उनके लिए तो बोला जाए कहीं बाहर निकल करके मीटिंग अटेंड करना है या ट्रेनिंग में जाना, तो उनके लिए बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन ये लॉकडाउन जो है कि लेडीज के लिए जो है कि जूम मीटिंग जो है कि कैसे मैनेज करके और कैसे जो है कि अपना फैमिली को सारा चीज हैंडलिंग करके और कैसे टाइम निकाल करके और इसको अटेंड कर रही है, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। कोई और नहीं, माय ब्यूटीफुल वाइफ मंजू सिंह। नमस्कार, मंजू सिंह हाउस वाइफ। देखिए, अगर हम लोग कुछ सोच रहे हैं कुछ करने के लिए कि नहीं हमको कुछ करना है, तो अगर हमको अगर कहीं मार्केट में जाते हैं कुछ करने के लिए बाहर, तो बाहर जाने पर तो हम लोग को कहीं भी काम करने जाएंगे तो 8 घंटा हम लोग को टाइम देना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को 1-2 घंटा हम लोग का आने जाने में लगेगा, सोचिए 10 घंटा लग जाएगा। अगर इस बिजनेस को हम लोग करते हैं तो पहले था कि जब तक ले हम लोग, देखिए इस मीटिंग में जब तक ले हम लोग कुछ सीखेंगे नहीं तो हम लोग कैसे बिजनेस कर पाएंगे। तो सीखने के लिए भी हम लोग को कुछ टाइम चाहिए। तो टाइम जैसे हम लोग अगर बाहर निकल के, अभी तो खैर लॉकडाउन है तो कोई बात नहीं, अभी तो घर में होकर रहकर मीटिंग हम लोग अटेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग बाहर जाते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए तो वहां भी हम लोग को कम से कम 2 घंटा हम लोग को टाइम लगता है कुछ सीखने के लिए। उसके बाद हम लोग को आने जाने में भी 2 घंटा लगेगा। तो उसमें क्या होता है कि फैमिली लोग बहुत सारे बात करते हैं कि नहीं, बच्चे को छोड़ के घर में सब कुछ काम पड़ा है, फिर भी वो चली गई 3-4 घंटा 5 घंटा बाहर रह रही है, उसके बाद घर में आ रही है। लेकिन अभी जो जूम मीटिंग जो हो रहा है, इतना अच्छा ये हम लोग के लिए इतना अच्छा बिजनेस है जूम मीटिंग पर कि हम क्या बताएं। देखिए, टाइम तो अपने हाथ में है, अगर किसी का ज्वाइंट फैमिली है उसमें उसको दिक्कत आ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें भी हम लोग को लेडीज है थोड़ा सा बातचीत करके हम लोग को कैसे काम को थोड़ा सा आगे पीछे करना है उसको हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग अगर सिंगल फैमिली अगर हम ही लोग हैं तब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना आगे पीछे काम जो हमको सिर्फ इसमें, तो घर में बैठकर सिर्फ जहाँ 4 घंटा 5 घंटा जो टाइम लगता था वहां अभी हम लोग को इसमें तो जूम मीटिंग में सिर्फ 1.5 से 2 घंटा लगता है। तो 2 घंटा तो हम लोग कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए अगर हम लोग सपना देख रहे हैं कि नहीं हम लोग को भी कुछ आगे जाना है, कुछ करना है, बहुत बड़ा ड्रीम हम लोग का है उसको हम लोग को पूरा करना है। आज देखिए, छोटे छोटे बच्चे जब मोबाइल मांगते थे तो हम लोग बोलते थे नहीं बच्चे, बेटा मोबाइल नहीं लेते, छोटे बच्चे मोबाइल नहीं लेते। लेकिन अभी अगर बच्चे मांग रहे हैं कि नहीं मम्मी हमको मोबाइल चाहिए, हमको पढ़ाई करना है, तो क्या हम लोग देते नहीं है? देते हैं। क्यों? अब मोबाइल हम लोग को जरूरत आ गया कि बच्चों को देंगे नहीं तो उसका भविष्य क्या होगा, उसको देना ही पड़ेगा, उसको पढ़ाई लिखाई करना है, उसमें उसका भविष्य है, तो हम लोग देते हैं। तो उसी तरह से हम लोग को भी ये सोचना होगा कि नहीं इस बिजनेस में हमारा भी भविष्य है, हमारा भी फ्यूचर है, हम भी कुछ चाहते हैं, हम तो कुछ सीखेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, जब तक ले हम सीखेंगे नहीं तो हम कुछ आगे कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लोग को भी थोड़ा, जैसे शाम का मीटिंग हो रहा है तो अपना सब्जी हम अपना 2 घंटा पहले ही बना ले, जो काम है उसको पहले कर ले, ताकि हम अपना मीटिंग में आराम से हम 2 घंटा टाइम दे सके, कुछ सीखेंगे तभी तो हम कुछ आगे कर पाएंगे। अपने किसी को फोन से किसी से बात करना है जो भी है, 2 घंटा 3 घंटा हम लोग को घर बैठे बैठे अरे काम हो जाता है। उसके बाद भी तो लेडीज लोग फोन पर ही बिजी रहती हैं, तो जो काम हम लोग बिजी रहते हैं तो 2 घंटा अगर हम लोग कुछ सीखते हैं उसके बाद हम लोग फोन करते हैं, किसी को कुछ बताते हैं, उसको भी बताते हैं कि जब हम टाइम निकालना सीख जाएंगे कि 2 से 2.5 घंटा हम लोग कैसे टाइम निकाल रहे हैं, उसी तरह से हम दूसरों को भी तो गाइड कर सकते हैं। जब हम ही नहीं निकालेंगे, हम ही नहीं मीटिंग देखेंगे तो हम दूसरों को कैसे बता सकते हैं। इसलिए हम लोग को थोड़ा सा टाइम निकालना होगा, हम लोग को देखना होगा। जब हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं हमारा भी इसमें कुछ फ्यूचर हो सकता है, तो जब हम लोग बच्चों को मोबाइल दे सकते हैं तो हमारे बच्चे का भी इसमें फ्यूचर हम लोग बना सकते हैं। इसलिए हम लोग को टाइम थोड़ा सा निकालना होगा, मीटिंग बहुत जरूरत है, मीटिंग नहीं देखेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कुछ करना है तो मीटिंग देखना बहुत जरूरी है। थैंक यू। नहीं, बहुत सारे लेडीज का जो है कि ये भी क्वेश्चन होता है ना कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए मोबाइल हम दे नहीं पा रहे हैं और हम उसमें मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको कैसे हैंडलिंग हो सकता है? लेकिन टाइम तो थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ेगा आगे पीछे। अब जैसे सर पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी देखना होगा कि हमारा टाइम कैसे हो रहा है, उसमें से तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, बिना किए तो कुछ नहीं होगा। नहीं तो अगर जैसे मीटिंग खत्म हो गया तो बहुत सारा जो ये है कि हम लोग यूट्यूब पर भी डाल रहे हैं कुछ प्रोग्राम,
तो हम जब हमारा टाइम उस ऐसा हुआ कि जब मीटिंग चल रहा है तो उसी समय बच्चे का पढ़ाई भी चल रहा है, तो उस समय अगर हम नहीं देखे तो उस पर हम जाके देख कुछ सीखे, वहां भी हमारा सीखने करने का काम हो जाएगा, ये भी तो हम कर सकते हैं। ओके आज कुछ क्लियर हो रहा आप लोग को, जो नए भी हैं, जो नए बिजनेस को स्टार्ट किए हैं और जो बिजनेस को कर रहे हैं, तो बहुत सारे देखिए बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सारे हर्डन आएंगे, बहुत सारे चैलेंज भी आएंगे, लेकिन उसका सलूशन तो हम ही को खोजना है। और ये सलूशन जो है यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको सलूशन देने के लिए आपका अपलाइन जो है हमेशा जो है कि आपको तैयार है, क्या आप उसको लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ जो है कि देखिए हर चीज का सलूशन आपको जो बिजनेस में लेके आए, और जो हम लोग का जो मीटिंग ट्रेनिंग जो चल रहा है उसमें बहुत सारे आपको सलूशन आपको मिलेगा, और इसी से आपको जो आपको बिजनेस करने में आपको सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट